नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूपी टेट 2021 को लेकर के फाइनली डेट क्लियर हो चुकी है कि 25 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम होना। इसके जस्ट बाद में आप लोगों को प्राइमरी सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिली। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के टेंशन में रहते हैं, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की। आखिरकार इंग्लिश में कैसे अच्छे नंबर लेकर के आए? तो बेटा, इंग्लिश को लेकर के आप लोग बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दिए, क्योंकि इंग्लिश में अब हम यहाँ पे सारे की सारी चीजें कवर करेंगे। और आप लोग देखोगे इंग्लिश से सिंपल कोई भी सब्जेक्ट और नहीं होता है, ठीक है। तो आज इंग्लिश का डेमो वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की माँ बहन वाली वीडियो, ठीक है। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से, बहुत ही अच्छा है लगा हुआ है कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिएगा, जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिएगा और आप लोग बस अपने लक्ष्य पर फोकस करें। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं आप लोगों को टॉप 10 मोस्टली रिपीटेड वन वर्ड क्वेश्चन को कराऊंगा और आप लोग देखोगे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप लोगों को लग रहा हो कि सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बट ऐसा ही है, ठीक है। और YouTube पर इस तरीके से पहली बार ही पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला आप लोगों के लिए वन वर्ड है मेटिकुलस, ठीक है। अब मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, यहां पे आप लोग कुछ मिट्टी के बर्तन देख रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। यहां इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड पार्टिकुलर, मतलब अति सावधान। मेटिकुलस का होता है मतलब अति सावधान। अब देखो यहां पे कैसे याद करना है, यहां से बेटा आप लोगों को बस बर उठाना है मैटी, ठीक है, और यहां से अगर डैश करें तो कलस, ठीक है, मेटिकुलस। मैटी से क्या बन रहा है आप लोगों का, मट्टी, ठीक है, मट्टी की साउंड आ रही है, मट्टी, ठीक है, और कलस, कैलस से कलस याद करना है, तो मट्टी कलस। अब बेटा यहां पर जो आप देख रहे हो ये वाला मट्टी का कलस, मिट्टी का कलस क्या होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है, बहुत सावधानी से इसको उठा धरी करनी चाहिए, क्योंकि ये फूट जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे पहले मटके वगैरह होते थे घरों में, ठीक है, तो मटकों को बहुत हिसाब किताब से रखना पड़ता था क्योंकि वो फूट जाते थे बहुत जल्द, ठीक है। तो यहाँ पे वही मतलब है, जब भी आप ये वर्ड देखोगे मेटिकुलस, तो मेटिकुलस नहीं लिखा है, आपके दिमाग में क्या चलेगा, मट्टी कलस, ठीक है। इसको अपने आप पढ़ लोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे। सेकेंड नंबर पर आते हैं बेटा कारकास, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, मतलब जानवर की लाश। अब देखो इसको कैसे याद करना है, बेटे यहां पे वर्ड क्या लिखा है, ठीक है, कार लिखा हुआ है और कास लिखा हुआ है, कार, ठीक है, यहां से आप लोगों को याद करना है कार, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, और यहां से आस, ठीक है, आस, आस माने क्या होता है, गधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, गधा क्या होता है, गधा एक जानवर होता है। जब बेटा हुआ क्या कि गधे के ऊपर कार चढ़ गई, ठीक है, कार से गधे का एक्सीडेंट हो गया, तो गधा क्या बन गया, यहां पे देख रहे हो आप लोग गधे की इमेज है, ठीक है, जब कार से गधे का एक्सीडेंट हो गया तो गधा क्या बन गया, लाश बन गया। तो ऐसे ही याद कर लेना आप लोग कार और आस, ठीक है, कार और आस, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाएगी कार और आस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। चले अगले पर आते हैं, अगला है टीटोटलर, इसका मतलब होता है वन हु अवस्टेंस फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंक्स, मतलब शराब से परहेज करने वाला। इसको कैसे याद करेंगे, यहां पे देख सकते हो आप लोग एक कप है, ठीक है, कप में चाय भरी हुई है पूरी। अब इसको हम लोग आते हैं, इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, देखो कैसे, यहां पे लिखा टी टी ओ टी ए डबल एल ई आर, ठीक है, टी टोलर, देखो टी कुछ ये साउंड जो टी टी माने क्या होता है, चाय होता है, ठीक है, चाय, ठीक है, यहां से केवल टोटल उठा लो आप लोग, टोटल, ठीक है, मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह, टोटल माने पूरी तरह होता है, टी माने हो गया चाय, टोटल माने हो गया पूरी तरह। अब बेटा जो व्यक्ति पूरी तरीके से चाय ही पीता रहता है दिन भर, तो वो क्या करेगा, वो शराबी या फिर नशीली चीजों से वैसे भी दूर रहेगा। तो आपको बस इतना देखना है, जब भी ये वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में दो वर्ड, ठीक है, ये अटैच होंगे, पहला टी, टी माने चाय, और टोटल, टोटल चाय पर ही डिपेंड रहता है वो, इसलिए वो नशा नहीं करता, ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है आपका हर्पेटिसाइड, इसका मतलब होता है बेटा मर्डर ऑफ ए स्नेक, मतलब कि सांप की हत्या।
अब देखो जहां कहीं भी आपको साइट शब्द आए तो उसका मतलब समझो कि हत्या से लेना देना कुछ, जैसे होमिसाइड, जेनोसाइड, ठीक है, सुसाइड, इन सब में साइड आ रहा है, तो साइड माने क्या होता है, हत्या से रिलेटेड वर्ड है ये। तो आप लोगों के पास इतना ही याद करना है, कैसे ये याद, देखो कैसे करो, यहां पे क्या है, पहले तो हर्प, ठीक है, हर्प, हर्प साउंड क्या होता है, सर्प, हर्प से क्या निकल रहा है, शब्द, हर्प से सब सर्प निकल रहा है, ठीक है, सर्प। और साइट माने क्या होता है, साइट माने तो हत्या होती ही है, ठीक है, हत्या, तो बेटा सर्प हत्या, हर्प माने सर्प, हर्प साउंड ऑफ सर्प, और साइट माने हत्या, तो सांपों की हत्या से रिलेट हो जाएगी। पांचवें नंबर का वर्ड है आप लोगों के लिए ऑक्सोरी साइड। अब देखो यहां पर भी साइड वर्ड आ रहा है, साइट मैंने बताया, साइट का मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु होता है। अब देखो इसको कैसे याद करना है बेटा, यहां पे आप देखोगे आप लोग ऑक्सोरी, ठीक है, इसको हम लोग उठा लेते हैं, UXORI, ठीक है, UXORI, ऑक्सोरी। अब देखो यहां पे जोरी, ठीक है, जोरी, जोरी, ठीक है, जोरी, ठीक है, जोरी, साउंड ऑफ जोरू, क्या है, जोरी, जोरू, ठीक है। अब जोरू कौन होती है, जोरू बीबी होती है। यहां पे आप देख रहे हो इमेज में कि ये जो है पति और पत्नी की लड़ाई हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है कि आपस में गुस्सा कर रहे हैं। अब पत्नी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो पति को गुस्सा आ गया, पति ने क्या किया कि इनकी गर्दन तोड़ डाली और इनका राम राम सत्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जोरू आपको याद रखना है, जोरू और साइड माने हत्या, जोरू की हत्या मतलब कि पत्नी की हत्या हो जाएगा, ठीक, याद कर सकते हो इसको। अब आते हैं बेटा क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है रिलीजन वॉर, वॉर ऑफ रिलीजन मतलब धर्म युद्ध। अब देखो कि यहां पे आप लोगों को पता होगा कि ये जो इमेज दिख रही है महाभारत काल की, ठीक है, कृष्ण भगवान ही अर्जुन है। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब यहां पे देखो यहां पे क्या लिखा है, CRU, कुरु, ठीक है, यहां पे का कुरु हो गया और से, ठीक है, क्षेत्र, कुरुक्षेत्री तो लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र में किसकी लड़ाई हुई थी, धर्म की लड़ाई हुई थी। तो ए रिलीजन ऑफ वॉर, ए वॉर ऑफ रिलीजन कहां पर हुई थी, क्रूसेड में। तो इसको याद कर सकते हो आसानी से, मुझे लगता है कोई भूलेगा नहीं। अगले पे आते हैं बेटा नॉस्टाल्जिया, इसका मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, मतलब घर जाने की तीव्र इच्छा होना या फिर घर की याद आना। तो इसको कैसे याद करोगे, अब देखो बेटा यहाँ पे एक इमेज है, ये मूवी है तारे जमीन पर, यहाँ पे एक बच्चा था जिसका नाम था ईशान नंद किशोर अवस्थी, उसके मम्मी पापा ने उसको हॉस्टल में रख दिया था, ठीक है। तो हॉस्टल में रखने के बाद में वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा, घर की याद आती थी उसे। तो यहाँ पे आप लोग याद करना है वर्ड क्या, नॉस्टल, ठीक है, नॉस्टल जिया। अब देखो नॉस्टल से कुछ कुछ शब्द हॉस्टल निकल रहा है, नॉस्टल, हॉस्टल, जिया, जिया मतलब होता है मन, कहते हैं मेरा जिया नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो बेटा हॉस्टल में मन नहीं लग रहा है बच्चे का, तो बच्चा कहाँ जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, तो नॉस्टल जिया आएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को याद कर लेना, नॉस्टल साउंड ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं लग रहा जिया, तो घर जाना है पिया, ठीक है। आठवें पे आते हैं बेटा वेरिन, इसका मतलब होता है लैंड डेड नॉट ग्रो एनीथिंग, मतलब वह भूमि जिस पर कुछ भी उग नहीं सकता, ठीक है, मतलब कोई जो बंजर भूमि होती है। इसको कैसे याद करोगे, इसी के शब्द में आंसर लिखा हो, लिखा हो बेटा बैरन, VARREN, ठीक है, वेर, ठीक है। अब यहां पे बा, बा से याद कर लोगा बिना, ठीक है। अब रेन माने क्या होता है, रेन माने होता है वर्षा, ठीक है, क्या होता है, वर्षा होता है। अब बेटा जहां पे बिना वर्षा की जमीन होगी, जहां वर्षा ही नहीं होगा वहां पर भाई सूखा पड़ेगा, तो बैरन माने का होता है वारेन, मतलब कि बिना रेन हुए भूमि जो सूख जाएगी और उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, तो बंजर भूमि कहलाएगी। अगले पर आते हैं बेटा हम लोग ट्रियम्बरेट, ट्रियम्बरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, मतलब त्रिशासक। आप देख रहे हो यहां पे तीन लोग हैं, पहले व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं ट्रंप जी, और तीसरे कौन है, ये हैं चाइना वाले सी जिनपिंग, ठीक है। तो यहां पे तीनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पे आप लोगों को याद करना है बेटा ट्राई, ठीक है, ट्राई, और यहां से उठा लो वीर, ठीक है, ट्राई वीर, ट्राई माने क्या होता है, तीन होते हैं, ठीक है, तीन, और वीर माने क्या होता है, तीन वीर आदमी, ठीक है, तीन वीर आदमी। अब बेटा तीन वीर हैं तो क्या हो जाए, तीन शासक, ठीक है, तीन वीर शासक। तो याद कर लो ना आप लोगों को, त्रियम्बरेट, ठीक है, त्रियम्बरेट, तो ट्री से ट्राई, तीन हो गए, वीर से वीर हो गए, अम्बरेट से याद कर सकते हो, तीन वीर शासक, ठीक है, त्रिशासक। 10वें नंबर पे बेटा इसको अगर भूल जाओ तो नाम बदल देना, क्लास में आना छोड़ देना मेरी, लिखा हुआ है कि रेटिशेंट, रेटिशेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु रिजर्व इन टॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्यारी सी लड़कियां जो होती हैं काफी ज्यादा गोरी, ठीक है, तो उनका क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मितभाषी होती हैं,
मतलब बहुत ज्यादा कम बोलने वाली होती हैं। और सबसे बड़ी खासियत बताऊं आप लोगों को, शायद आपने नोटिस नहीं किया बट मैंने काफी नोटिस किया हुआ है, मतलब जब गोरी लड़कियां होती है वो काफी सेंट लगा करके रहती है, ठीक है, सेंट लगा के रहती है। तो यहां पर भी लिखा भैया क्या लिखा, रैटी सेंट, रैटी सेंट, रैटी से रहती और सेंट से सेंट। बेटा जो लड़कियां सेंट लगा करके रहती हैं वो बहुत ही कम बात करती है, तो उनके पीछे मत जाना वरना बेटा आप लड़की उग्र हो जाएगी। कल मैंने पढ़ाया था हिंदी वाले में, लड़की उग्र हो जाएगी आपको झापड़ मार दी। तो प्लीज लड़कियों से बचकर कह रहो, सेंट वाली लड़कियों से बच के, ठीक है। तो रिटी सेंट से रहती सेंट लगा करके तो उसके पीछे नहीं जाना है प्लीज। सो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। बेटा ये थे हमारे टॉप 10 मोस्टली रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक आप लोगों को इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप बेटा चाहते हो इसका पार्ट टू भी आए या फिर इसकी पूरी पूरी सीरीज आए, ताकि आप लोगों के जो 3-4 नंबर के प्रश्न आते हैं सुपर टेट में 10 में से 3-4, तो वो आपके इजीली हो जाए। तो बेटा इसके लिए करना क्या होगा, करना ये होगा कि इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो या तो आप 8,000 रुपए वाला कोर्स ले लो, वो आपको रामायण पढ़ा देंगे घंटा, उससे कुछ नहीं फंसने वाला है। या फिर आप मेरे तरीके से पढ़ो तो आप लोगों को बहुत चीजें समझ भी आएंगी, कम मेहनत में ज्यादा लाभ, ये दो ही काम हो सकते हैं। या तो 8,000 ज्वाइन कर लो 15 का, या फिर यहाँ पे आप लोग मेरी तरफ से पढ़िएगा, ठीक है। बेटा एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और आप लोगों के लिए।